दो सूत्री मांगों को लेकर फड़मुंशी संघ ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रतिमाह 25,000 वेतन देने की मांग। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में दिनों दिन प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को ही शिक्षक संघ ने वेतन विसंगति को लेकर सरकार के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया। वहीं शुक्रवार को वन विभाग के अंदर काम करने वाले फड़मुंशियों ने दो सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वहीं फड़मुंशी चाहते हैं कि सरकार उन्हें कमीशन के अलावा 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दे। इतना ही नहीं, फड़मुंशियों की हर साल होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी जाए। अपनी मांगों को लेकर सबसे पहले उन्होंने दोपहर 2 बजे वनमंडलीय अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया, फिर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक गए, फिर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन के समक्ष अधिकारी को सौंपा। वहीं फड़मुंशियों का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा ने मोदी की गारंटी की तरह उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें भुला दिया गया। अगर उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जो अभी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, तो उसने 2023 में चुनावी घोषणा पत्र में अपना एक बिंदु ये भी रखा था कि संग्रहणकर्ता जो फड़मुंशी हैं, जो वनों पर संग्रहण करता है, उनको 25,000 मानदेय के अतिरिक्त देने का वादा किए थे। और अभी हमारे जो शासन है, सरकार है, वो आसीन है। हम चाहते हैं कि हमारा जो आप जो घोषणा पत्र में जो दिए थे वो हमें तत्काल दिया जाए सभी फड़मुंशियों को, क्योंकि हम लोग जो काम किए हैं इसके पूर्व भी, तो हम लोगों को मात्र 45 रुपया मानक बोरा के हिसाब से कमीशन मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि तत्काल इसमें कार्रवाई हो। इस स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सभी जिला यूनियनों के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और सभी जिला यूनियन में अपनी मांग को लेकर सभी फड़मुंशी अड़े हुए हैं। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो 2023 की चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में कमीशन के अतिरिक्त 25,000 रुपये देने का वादा किया था, उसको आज तक 9-10 माह होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसी के संबंध में प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सभी जिले यूनियन कार्यालयों के सामने में किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के 10,000 फड़मुंशी हैं सभी को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष जो भाजपा सरकार ने वादा किया था उसको दिया जाए। अभी तो अंगड़ाई है, आगे